फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह का सिंगल कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखें, ये पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से आड़ी आड़ी केबल जैसे चलेगा। आइए पैटर्न बनाने की शुरुआत करते हैं। कैसे बनाना है ये, जहाँ से मैंने ये शुरुआत में बनाया है वहीं पर अब हम आ गए हैं। वहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्स्ट रो हमने किस तरह शुरू की थी। एक पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे। अब एक दो तीन फंदे छोड़कर चौथा फंदा, चौथा फंदा हम पहले बुनेंगे, फिर ये सिलाई वाले तीन फंदों को बुनेंगे, एक दो तीन, और अब ये चौथे फंदे को भी निकाल देंगे। अब एक और दो सीधे और बुन लेंगे। ये इसी डिज़ाइन को हमने एंड तक रिपीट करना है। आगे ऊन, चार उल्टे, ऊन पीछे, चौथा फंदा पहले बुनना है। ये चौथा फंदा हमने बुन लिया, फिर सिलाई के फंदे एक एक करके हमने बुनने, एक दो और तीन, ये निकाल दिए फंदे। अब दो फंदे सीधे, एक और दो, ये देखें दो बार डिज़ाइन हमने ये बना लिया। इसी तरह से आगे हम इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाएंगे। ये देखें, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो पर हैं। सेकंड रो हमारी उल्टी साइड की रो है और ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। इस सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, सारे फंदे हमारे उल्टे ही बन जाएंगे। ये देखें, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई उल्टी तरफ से। अब हमारी थर्ड रो है, ये सीधी तरफ की रो है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने एक दो तीन चार उल्टे बनाए थे, अब हम ये तीन उल्टे बनाएंगे, एक दो और तीन, ऊन को पीछे ले जाएंगे, छह फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ऊन को अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ पर अब ये देखें है चार फंदे, पर एक फंदा पहले से शुरू हो जाएंगे ये उल्टे फंदे और एक फंदा पहले ख़त्म हो जाएंगे। ये वाला अभी तक हमारा सीधा फंदा था, अब हम इसे उल्टा बना रहे हैं, एक दो तीन चार, चार उल्टे बनाकर ऊन पीछे, एक ये सीधा, दो तीन चार पाँच छः सीधे। ये पूरी रो अब इसी तरह से हम बना लेंगे, चार उल्टे और छः सीधे, चार उल्टे फिर छः सीधे, पूरी रो इसी तरह से बनेगी। और उल्टी तरफ की रो इस डिज़ाइन में सारी उल्टी ही बनेंगी, यानी सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ ये रो उल्टी ही बनेंगी पूरी, ये रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बनेंगी। और फ्रंट साइड पर डिज़ाइन हम अपना डालते जाएंगे, ये चार उल्टे और छः सीधे, पूरी रो इसी तरह से
कंप्लीट होगी और उल्टी तरफ की रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। फोर्थ रो हमने पूरी अपनी उल्टी बना ली। अब हम फिफ्थ रो की तरफ हैं, ये सीधी तरफ की रो है फिफ्थ हमारी। अब आइए देखते हैं, इधर से अब हम एक फंदा फिर से कम करेंगे उल्टा, एक और दो हमने उल्टे बनाए, उनको हम पीछे ले गए। अब फिर से डिज़ाइन डालेंगे, एक दो तीन चार, चौथा फंदा हम पहले बनाएंगे, ये देखें, फिर सलाई के तीन फंदों को बनाएंगे एक एक करके, एक दो तीन, और अब ये चौथा फंदा भी साथ में उतार देंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, ऊन अपनी तरफ, अब चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर ऊन पीछे, फिर चौथे फंदे को पहले बनाएंगे, एक दो तीन चार, ये चौथे फंदे को हम पहले बना लेंगे। अब सलाई के फंदे एक एक करके, एक दो और तीन, अब एक दो, फिर ऊन अपनी तरफ, फिर चार उल्टे, ये छह फंदे सीधे हुए और चार फंदे उल्टे हैं। ये जो छह फंदे हम सीधे बना रहे हैं, इसमें हम चौथा फंदा पहले बना रहे हैं, फिर सलाई के तीन फंदों को हम बना रहे हैं, और फिर ये दो फंदों को हम सीधा बना रहे हैं, ये देखें इस तरह से। अब ऊन आगे, फिर ये चार फंदे उल्टे बन जाएंगे। हर बार पहली तीसरी पांचवी सलाई पर इसी तरह से हम बना रहे हैं। पहली सलाई पर हमने डिज़ाइन डाला, फिर तीसरी सलाई पर हमने डिज़ाइन नहीं डाला, अब ये पांचवी सलाई पर हम डिज़ाइन को डाल रहे हैं। अब ये देखें, फिर चौथा फंदा पहले बनाएंगे, फिर सलाई के तीन फंदों को बनाएंगे, अब ये दो फंदे सिंपल सीधे, ऊन अपनी तरफ, चार उल्टे, चार उल्टे के बाद हमारे पास तीन बचे हैं सलाई में, ये तीनों सीधे बन जाएंगे। और सिक्स रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी, क्योंकि ये हमारी उल्टी तरफ की रो है, इस डिज़ाइन में उल्टी साइड की रो सारी उल्टी ही बनेंगी। अब ये देखें, फिर से हम सीधी सलाई की तरफ आ गए। अब पिछली बार सीधी सलाई पर हमने डिज़ाइन डाला था, इस बार नहीं डालना, एक बार डिज़ाइन डालना है सीधी सलाई पर, एक बार नहीं डालना है, एक बार सिंपल सीधा उल्टा बनाना है। ये देखें, अब फिर से हम एक फंदा उल्टा इधर से कम कर देंगे, पहले दो उल्टे फंदे थे, अब एक ही उल्टा फंदा हमने बनाया, उन पीछे ले गए, छह फंदे सीधे बनाएंगे, छह हमने सीधे बना लिए, उन आगे लाएंगे, चार उल्टे बनाएंगे, फिर उन पीछे ले जाएंगे, छह फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरह से ये हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बन जाएगी, छह सीधे और चार उल्टे। अब ये देखें, फिर से हम सीधी सिलाई की तरफ आ गए। अब फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे, एक बार सीधी तरफ हम डिज़ाइन डालते हैं, एक बार नहीं डालते, एक बार डालते हैं, एक बार नहीं डालते। अब हम डिज़ाइन डालेंगे और आप देखें, ये इस तरह से हर सलाई पर हम एक एक फंदा आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, ये उल्टे फंदे, जैसे अब यहाँ पर हमने बढ़ाए, अब यहाँ पर लास्ट में ये एक उल्टा बना था और अब उल्टा फंदा कोई नहीं बनेगा।
पहला फंदा हमने उतार लिया। अब ये देखें, एक दो तीन चौथा फंदा हम पहले बनाएंगे, फिर सलाई के तीन फंदों को एक एक करके बनाएंगे, एक दो और तीन। अब दो फंदे सीधे, फिर चार उल्टे, फिर ऊन पीछे, ये चौथा फंदा पहले बनाएंगे, फिर सलाई के फंदे एक एक करके, दो फंदे सीधे, फिर चार उल्टे, फिर ऊन पीछे, फिर ये चौथा फंदा पहले बनाएंगे, फिर सलाई के तीन फंदे, एक दो तीन, फिर ये दो फंदे, फिर चार उल्टे। इसी तरह से ये सलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टी सलाई को हम पूरा उल्टा बना लेंगे। ये देखें, इस तरह बनाते हुए ये इस तरह से ये आड़ी आड़ी धारियां आती जाएंगी। ये पैटर्न मैंने बाएं से दाएं की तरफ चलाया है, लेफ्ट से राइट की तरफ। आप चाहें तो इसको राइट से लेफ्ट की तरफ भी चला सकते हैं, या वी शेप में भी इसको चला सकते हैं। वी शेप का वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। ये पैटर्न ज़्यादातर जेंट्स स्वेटर में अच्छा लगेगा, पर आप इसे लेडीज़ कार्डिगन वगैरह में भी डाल सकते हैं। जैसे दो पल्ले में डालना है आमने सामने के, तो एक तरफ ये लेफ्ट से राइट की तरफ चल जाएगा और दूसरे पल्ले में फिर राइट से लेफ्ट की तरफ चल जाएगा। ये देखें पैटर्न, एक बार हमें चार उल्टे और छः सीधे इस तरह से बनाना है। सीधी तरफ उल्टी ही सलाई बनेगी, और दूसरी बार जब हम सीधी तरफ आएंगे तो उल्टे फंदे ये उल्टे बनाएंगे हम एक कम कर, और चौथा फंदा पहले बनाएंगे, और फिर सलाई के तीन फंदे, और फिर दो फंदे सीधे, और फिर ये चार उल्टे। इसी तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। एक बार डिज़ाइन डलेगा सीधी सलाई पर, एक बार नहीं डलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये डिज़ाइन आपको सही लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।